वेक्टर्स दो क्वांटिटीज हैं, आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं दो दो वेक्टर्स को या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए क्या है। तो लेट्स सपोज कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए और बी क्या है, दो वेक्टर्स हैं, उनको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया कि ए इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस ये उसकी मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन, इसी तरह बी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और इतनी उसकी लेंथ है। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, हेड टू टेल रूल के साथ, के पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन कर देंगे। पहला वेक्टर हमने कहा ए, उसे वैसे ही ड्रॉ किया जैसे वो था, कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस से वो थीटा डिग्री पे था तो उसे थीटा डिग्री पे ही ड्रॉ किया गया ऐसे। तो खैर सेम एरो ड्रॉ कर लिया वहां पे वेक्टर, तो अगर हम सेम ड्रॉ कर लिया है ए, फिर हम क्या करेंगे, बी को बी की टेल को ए के एरो हेड से या हेड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह की एक फिगर बन जाएगी, ए एंड देन बी, ये ए है ये बी है, और इसको रिप्रेजेंट अगर आप डायग्राम में करते हो तो ए के ऊपर भी आप एरो हेड शो कर सकते हो, तो जिससे पता चलता है ये वेक्टर्स हैं, या आप इसे बोल्ड करके लिखते हो, दो ही तरीके हैं, और ग्राफिकली आप इसको एरोस बनाते हैं। अब आप इसका जो ऐड करना चाहोगे इन दो वेक्टर्स को, वो कैसे करोगे, आप करोगे ये कि फर्स्ट की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करो, तो ये जो वेक्टर बना फॉर एग्जांपल इसे आर वेक्टर कह लो, ये एक समेशन या रिजल्टेंट वेक्टर है इनका, ए प्लस बी, मीन्स ये जो वेक्टर की लेंथ होगी वो इन दोनों के सम की लेंथ देगा, और जो डायरेक्शन बनेगी वो आर की डायरेक्शन बनेगी, वो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो इस तरह हम दोनों को ऐड कर लेंगे बाय हेड टू टेल रूल। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम में बहुत मुश्किल है कि आपको इस तरह कोई आए कि हेड टू टेल रूल कुछ ऐड करें, तो आमतौर पे ये नहीं होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन नहीं आता, तो बेसिकली इसमें आप गो थ्रू कर सकते हो इजीली। अगर हम कहें कि हम ए में बी नहीं ऐड करना चाहते, बी में ए ऐड करना चाहते हैं, फिर क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने क्या किया, ए वैसे ही ड्रॉ किया है, बी वैसे ही ड्रॉ किया जैसे था पहले, पहले वाला ये बी ड्रॉ कर लिया, अब उसके बी के हेड के साथ ए की टेल ज्वाइन की और पहले की टेल को नेक्स्ट की हेड से ज्वाइन किया, तो ये बन गया बी प्लस ए। अब बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों सेम वेक्टर्स हैं, मीन्स वेक्टर्स में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये तो भी एडिशन, अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी सेम सिमिलरली वर्क करती है, उसमें करते क्या है कि जो एक वेक्टर है, हमने अगर ए से बी को निकालना था, बी की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं, ये पहले राइट की तरफ था, अब क्या कर दिया, लेफ्ट की तरफ, अब वही चीज है, यानी बी नेगेटिव वाला जो वेक्टर है वो समथिंग लाइक दिस होगा माइनस बी, कंसिडरिंग के दोनों सेम लेंथ के हैं और बाकी सारा कुछ सेम है, बस डायरेक्शन उल्टी है। खैर तो अब करेंगे क्या कि ए को ड्रॉ कर लिया और क्या किया, बी को माइनस वाले को ड्रॉ कर लिया, ये माइनस बी है और ये ए, फिर फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन किया और ये बन गया आर। अब इसको जरा प्रिसाइज जिस तरह बना हुआ है उस तरह बनाएंगे तो इस तरह की डायग्राम बनेगी जिसमें ये ए माइनस बी शो करे, इसे आप आर कहेंगे, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ए माइनस बी।